हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम यहाँ पे मेथी प्याज की सब्जी बनाते हैं। फ्रेंड्स, आलू मेथी तो हम हमेशा ही बनाते हैं, पर ये एक बार ये मेथी प्याज की सब्जी ज़रूर ट्राई करें। मेथी जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। मेथी का सेवन करने से सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसके सेवन से शरीर को काफ़ी न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। मेथी के पत्ते फाइबर से भरपूर होते हैं, इसमें विटामिन और मिनरल्स भी काफ़ी मात्रा में होते हैं। हरी मेथी में फाइबर में अधिक और कैलोरी कम होती है। इसको मैंने बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स और बहुत कम सब्जी में बनाया है। अब यहाँ पे मेथी की एक जोड़ी ले ली है, जिसे मैंने धो के बारीक बारीक कट कर दिया था सुखा के, और प्याज टमाटर ले लिया है, हरी मिर्च अदरक ले ली है। अब यहाँ पे हम ये सरसों के तेल में बनाएंगे। आप चाहे तो कोई दूसरा कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 2-3 टेबल स्पून जितना सरसों का तेल है, इसे हमें धुआँ आने तक गर्म करना है और फिर फ्लेम को स्विच ऑफ कर देना है। और फिर इसमें हींग डालना है, जीरा डालना है, और लहसुन अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डाल देनी है, या दरदरा पीस के इसे डाल देना है। इसके अंदर ये थोड़ा कुक हो जाए, फिर इसके अंदर हम बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज डालने से मेथी की कड़वाहट कम हो जाती है। यहाँ मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं। अब यहाँ मसाले डाल देंगे। 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, और आधा चम्मच मैंने यहाँ हल्दी पाउडर डाला है। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। अभी इसे मैं हिला लूँगी ताकि मसाले प्याज में अच्छे से कोट हो जाए। और इसके अंदर मैंने 1 बड़ा टमाटर डाल दिया है बारीक चॉप करके। फ्रेंड्स, अब हम टमाटर डाल रहे हैं तो हम साथ ही में इसके अंदर नमक भी डाल देंगे, जिससे कि ये टमाटर हमारे जल्दी पक जाएंगे और जल्दी थोड़े मैश हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दें, और स्पैटुला से इसे थोड़ा ऐसे दबाते जाएं, और ताकि नमक है टमाटर में अच्छे से कोट हो जाए, और इसे कवर करके 2 या 3 मिनट तक आप पका लें। आप देख सकते हैं कि टमाटर मशी हो गए हैं थोड़े से। फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है अगर आपके पास टमाटर, प्याज और मेथी साफ़ करके कटी हुई हो तो। 7 से 8 मिनट में ये सब्जी बन जाती है। अब यहाँ पे हम चॉप की हुई मेथी डाल देंगे। मेथी को कैसे स्टोर करना है उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया है, आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। मेथी की सब्जी बहुत ही हेल्दी होती है। हम इस सब्जी में बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड कर रहे हैं। टमाटर का जो रस है उसी के अंदर ये पकेगी और भाप में पकेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम नींबू डाल देंगे, आधा नींबू डाला है। आप चाहे तो यहाँ पे अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, और इसे ढक्कन लगाकर 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। और इसके अंदर जो पानी रहता है ढक्कन का, वो भी हमें उसी में डाल देना है। वो सब्जी का ही पानी रहता है और बहुत ही हेल्दी होता है। तो इस तरीके से हम इसे हिला लेंगे। अभी हमारी मेथी की सब्जी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसे गरम गरम सर्व करें, और जैसे ही ये बन जाए तो इसे आप एक सर्विंग बोल में ले लें। नहीं तो मेथी का ये कुकिंग प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा तो मेथी का कलर चेंज हो जाता है। अब मैं इस सब्जी को सर्विंग बोल में ले लूँगी, और इसे आप रोटी, पूरी, पराठा किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब बटन के पास ही जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलती हूँ कुछ न्यू हेल्दी रेसिपीज़ के साथ में। थैंक यू, टेक केयर।